अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ऑल फाइन। डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो इन आवर रेगुलर क्लासेस वी आर रीडिंग आवर नॉवल फ्रॉम आवर सेकेंड ईयर बुक एंड द नेम ऑफ आवर नॉवल इज गुड बाय मिस्टर चिप्स, रिटन बाय जेम्स हिल्टन। नाउ टुडे वी कंटिन्यू आवर रेगुलर क्लास वर्क एंड वी स्टार्ट आवर लेक्चर फ्रॉम चैप्टर नंबर 9। We have already read our chapter number 8. Now today we start our chapter number 9. So let's start our lesson. जी तो स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर 8 तक मिस्टर चिप्स की सारी स्टोरी पढ़ी है, साथ साथ आपने सारे वर्ड सिनोनिम और क्वेश्चन आंसर्स जो हैं सारे के सारे याद कर रखे हैं। आज इससे आगे हम फर्दर कंटिन्यू कर रहे हैं। चैप्टर नंबर जो 8 था उसमें हमने पढ़ा था कि मिस्टर चिप्स की जो वाइफ थी कैथरीन ब्रिजेस, उसकी डेथ हो चुकी है। पहले हमने जो चैप्टर्स पढ़े उसकी लाइफ के आफ्टर हिज मैरिज, तो वो सारे चेंजेस हमने देखे जो मिस्टर चिप्स में आए थे। अब मिस्टर चिप्स की जब वाइफ की डेथ हो गई है तो अब उन चेंजेस का यहाँ पे जिक्र किया जाएगा जो कि उसकी वाइफ की डेथ के बाद मिस्टर चिप्स में आते हैं, और वो सारे हम देखेंगे। तो हमेशा की तरह आप अपने सिनोनिम जो हैं वो साथ साथ नोट करते जाएंगे। इस लेक्चर के एंड पे भी मैंने कोशिश की है कि कुछ जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे उनके सिनोनिम जो हैं निकाल के मैं आपके लिए लिख दूँ ताकि आपको उसको याद करने में आसानी हो जाए। तो हम शुरू करते हैं। हमारा पेज नंबर है 20 और चैप्टर नंबर है 9। तो वेरी फर्स्ट लाइन हम स्टार्ट करेंगे। चिप्स चेंज हिज मोर कमोडियस अपार्टमेंट इन स्कूल हाउस फॉर हिज ओल्ड ओरिजिनल बैचलर क्वार्टर्स। कहते हैं कि चिप्स ने स्कूल हाउस में जो अपना कमोडियस अपार्टमेंट था, कमोडियस होता है वसी, खुला, कुशादा, तो स्पेशियस हम इसको कह सकते हैं, अपना जो खुला या कुशादा अपार्टमेंट था उसको तब्दील कर लिया किससे, अपने कंवारे दौर के क्वार्टर से। मतलब कि चिप्स अपनी शादी से पहले जिस रूम में रहता था, जिस क्वार्टर में रहता था, वो दोबारा उसमें शिफ्ट हो गया क्योंकि अब वो एज अ फैमिली वहाँ पे नहीं रह रहा था, उसकी वाइफ की डेथ हो चुकी थी तो वो अकेला था। तो कहते हैं कि चिप्स जो है स्कूल हाउस में अपने कुशादा अपार्टमेंट को तब्दील करके दोबारा अपने कंवारे दौर के क्वार्टर में चला गया। ही थॉट एट फर्स्ट ही वुड गिव अप हिज हाउस मास्टरशिप। उसने पहले ये सोचा कि उसको जो अपनी हाउस मास्टरशिप है उसको छोड़ देना चाहिए। हाउस मास्टरशिप मतलब कि वहाँ का जो हॉस्टल था वहाँ का वो वार्डन था। ये हम पहले चैप्टर्स में जो स्टार्ट वाले चैप्टर्स थे उसमें पढ़ चुके हैं। तो वो कहता है जब उसकी वाइफ की डेथ होगी तो उसने सोचा कि वो इस ओहदे को छोड़ दे। बट द हेड परसुएडेड हिम, लेकिन जो हेड था उसने उसको आमादा कर लिया। परसुएडेड होता है एग्री कर लेना, फोर्सफुली किसी को कन्विंस कर लेना। वो कहता है कि लेकिन जो उसका हेड था उसने उसको राज़ी कर लिया, अदरवाइज इसके बरक्स वो छोड़ना चाहता था, इसके बरक्स उसके जो हेड ने उसको रजामंद कर लिया। एंड लेटर ही वाज ग्लैड, और बाद में वो खुश भी हुआ। अब खुश किस लिए और ग्लैड हैप्पी खुश किस लिए हुआ? द वर्क गेव हिम समथिंग टू डू, इस काम ने उसे करने के लिए कुछ दिया था। क्या दिया था? फिल्ड अप एन एम्प्टीनेस इन हिज माइंड एंड हार्ट, उसने उसे उसके जहन और उसके दिल के खालीपन को पुर कर दिया था। फिल्ड अप होता है भर देना, पुर कर देना, फिल समथिंग। तो वो कहता है उसके दिलो दिमाग के खालीपन को पुर कर दिया था। मतलब ये कि जब उसकी वाइफ की डेथ हुई तो जाहिर है वो सैडनेस में था, सॉरो फील कर रहा था, तो उसको एक बिजी रहने का एक तरीका मिल गया। नेक्स्ट देखते हैं, जस्ट एज मैरिज हैज़ एडिड समथिंग, जैसा कि उसकी शादी ने उसकी ज़िंदगी में एक चीज़ का इजाफा कर दिया था, सो डिड ब्रीवमेंट, इसी तरह से गम ने भी इसमें इजाफा किया। ब्रीवमेंट सैडनेस, सॉरो, डिडक्शन, मिलंकली, सारे इसके सिनोनिम हो सकते हैं। आफ्टर द फर्स्ट स्टूपर ऑफ ग्रीफ, वो कहता है कि अपने गम के स्टूपर का वर्ड यहाँ पर आया है तो उसका मतलब होता है अपैथी, सदमे की कैफियत होना। वो कहता है कि अपने गम के पहले सदमे में ही बिकेम सडनली द काइंड ऑफ अ मैन, वो इस तरह का आदमी बन गया, होम बॉयज एट एनी रेट अनहेजिटेंटली क्लास्ड एज ओल्ड, जिसको लड़के बिला किसी हिचकिचाहट के, अनहेजिटेंटली रिलक्टेंटली, जिसको बिला किसी हिचकिचाहट के लड़के क्लास्ड होता है शुमार करना, जिसको लड़के शुमार करते थे एज ओल्ड ओल्ड, लड़कों ने उसको बुरा शुमार करना शुरू कर दिया। इट वाज़ नॉट दैट ही वाज़ लेस एक्टिव, ये इसलिए नहीं था कि वो कम होशियार या चाकू चबंद था।
ही कुड स्टिल नॉक अप अ सेल्फ हाफ सेंचुरी ऑन द क्रिकेट फील्ड। वो कहते हैं कि वो अभी क्रिकेट के मैदान में 50 रन तेजी से बना सकता था, हाफ सेंचुरी वो तेजी से बना सकता था। नॉर वाज इट दैट ही हैड लॉस्ट एनी इंटरेस्ट ऑफ कीननेस इन हिज वर्क, और ये इस वजह से भी नहीं था कि उसने अपने काम में दिलचस्पी को कम कर दिया था, उसकी कोई दिलचस्पी कम हो गई थी। एक्चुअली टू हिज हेयर हैज़ बीन ग्रेइंग फॉर ईयर्स, ये शायद इसलिए था कि उसके बाल तेजी से जो है ग्रे हो रहे थे, सफ़ेद हो रहे थे। येट नाउ और अब फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली दफ़ा पीपल सीम टू नोटिस इट, लोगों ने इसको ध्यान देना शुरू किया था, लोगों की इस पर नज़र पड़ी थी। ही वॉज 50, वो 50 साल का था। वंस आफ्टर सम एनर्जेटिक फाइव्स, एक दफ़ा पांच तेज रफ्तार रन बनाने के बाद, ड्यूरिंग विच ही हैड प्लेज एज वेल एज मैनी अ फेलो हाफ हिज एज, जिसके बाद वो इतना अच्छा खेला जितना कि उसकी आधी उम्र के लोग खेलते थे। ही ओवर हीयर्ड अ बॉय सेइंग, तो उसने सुना एक लड़के को ये कहते हुए, ओवर हीयर्ड सुना ये कहते हुए, नॉट हाफ बैड, ये बिल्कुल भी बुरा नहीं है फॉर एन ओल्ड चैप। चैप मैन को कहते हैं कि एक आदमी के लिए, लाइक हिम उसकी तरह के, वो कहता है इस तरह की उम्र के शख्स के लिए ऐसा खेलना बिल्कुल भी बुरा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इससे आगे। अब चिप्स जो है ये सारी मेमोरीज जो है अपनी याद कर रहा है, तो नेक्स्ट पैसेज में देखते हैं। वो कहता है चिप्स व्हेन ही वाज ओवर 80, चिप्स जब अपने 80 साल की उम्र, उससे 80 साल से उसकी उम्र ज़्यादा हो चुकी थी, यूज टू रिकाउंट दैट इंसिडेंट विद मैनी चकल्स, वो इसको बड़ी ही खामोश किस्म की दबी दबी हंसी में इस वाक्य को याद करता था। ओल्ड एट 50, 50 साल की उम्र में बूढ़ा, इट वाज नेलर हु सेड दैट, वो कहता है ये नेलर था जिसने ये कहा था, एंड नेलर कांट बी फार शॉर्ट ऑफ 50 हिमसेल्फ बाय नाउ, और वो कहता है कि नेलर की खुद भी उम्र और 50 साल से कम नहीं होगी। आई वॉन्डर इफ ही स्टिल थिंक्स दैट 50 सच एन एज, मैं सोचता हूँ कि क्या वो अब भी 50 साल की उम्र के बारे में ऐसा ही सोचता होगा। लास्ट आई हियर्ड ऑफ हिम ही वाज लॉयरिंग, जब मैंने आखिरी दफ़ा उसके बारे में सुना था तो वो वकालत कर रहा था। एंड लॉयर्स लिव लॉन्ग, और जो लॉयर्स होते हैं वो लंबी उम्र जीते हैं। लुक टैग हेल्सबरी, हेल्सबरी की तरफ देखो, चांसलर एट 82 यानी कि 82 साल की उम्र में चांसलर बना, एंड डाइड एट 99 साल की उम्र में वो चांसलर बनना था, सॉरी 99 साल की उम्र में वो वफात पाया था, उसने वफात पाई थी। हेल्सबरी एक पर्सन का वो अब एग्जांपल दे रहा था कि वो 82 साल की उम्र में चांसलर बना और उसने 99 साल की उम्र में वफात पाई। देयर्स एन एज फॉर यू, वो कहता है कि ये एक उम्र पड़ी है, टू ओल्ड एट 50, 50 साल की उम्र में बहुत बूढ़ा हो जाना। वाई फॉलोज लाइक हिम एम दैट आर टू यंग एट 50, आई वॉज 50, वो कहता है कि क्यों इस जैसे आदमी तो 50 साल की उम्र में काफ़ी जवान होते हैं यानी कि बूढ़े नहीं होते हैं। आई वॉज माई सेल्फ अ मियर इन्फेंट, वो कहता है कि मैं भी काफ़ी जवान था, महज एक इन्फेंट था। इन्फेंट होता है शीरखवार बच्चा। नेक्स्ट पैसेज देखते हैं। अब नेलर का इसने एक रेफरेंस आया है, ये क्वेश्चन भी यहाँ पे बनेगा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसने उसको कहा था कि इस तरह खेलना जो है इस जैसी उम्र के शख्स के लिए बिल्कुल भी बुरा नहीं है, और ये 50 साल की उम्र में उसने उसको बुरा कहा था, तो ये क्वेश्चन भी बनेगा, ये इंपॉर्टेंट रेफरेंस है वो यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स के लिए। एंड देयर वाज अ सेंस इन विच इट वाज ट्रू, वो कहते हैं एक लिहाज से ये सच भी था। फॉर विद द न्यू सेंचुरी देयर सेटल्ड अपॉन चिप्स अ मेलोनेस, मेलोनेस होता है टेंडरनेस, सॉफ्टनेस, वो कहता है कि सच भी था क्योंकि नई सदी के आगाज़ में चिप्स में एक ऐसी मिठास, एक मेलोनेस आ गई थी, दैट गैदर्ड ऑल हिज डिवेलपिंग मैनरिज्म एंड हिज ऑफन रिपीटेड जोक्स इनटू अ सिंगल हार्मनी, क्योंकि वो कहता है कि इसके रोज़ रोज़ तरक्की पाते हुए तमाम जो तौर तरीके थे और इसके अक्सर बार बार किए जाने वाले, दोहराए जाने वाले मजाकों में एक हम आहंगी सी पैदा हो गई थी, एक यकसानियत सी आ गई थी। नो लॉन्गर डिड ही हैव दोस लाइट एंड ओकेजनल डिसिप्लिनरी ट्रबल्स, वो कहता है कि अब इसको अपनी अक्सर होने वाले ओकेजनल, कभी कभार, नाउ एंड देन, वो कहता है कभी कभार होने वाले नज़म ज़ब्त की मुश्किलात का भी सामना नहीं करना पड़ता था। और फील डिफेंडेंट अबाउट हीज ओन वर्क एंड वर्थ, वो कहता है कि वह अपने काम की कदर और कीमत के बारे में भी बेतमाद नहीं था। डिफेंडेंट, डिफेंडेंट होता है बेतमाद होना, अनकॉन्फिडेंट होना। ही फाउंड दैट हिज प्राइड इन ब्रुकफील्ड रिफ्लेक्टेड बैक, उसने ये समझा, उसको ये महसूस हुआ कि ब्रुकफील्ड पर फख्र करने का एहसास जो है वापस आ गया है। गिविंग हिम कॉज फॉर प्राइड इन हिमसेल्फ एंड हिज पोजीशन, और उसे खुद पर अपने मुकाम और रुतबे पर फख्र करने का जवाब भी मिल गया है। ठीक है, तो
इससे आगे जो है वो हम कल स्टार्ट करेंगे। इसके नीचे बिल्कुल मैंने आप लोगों के लिए कुछ निकाले हैं, आपने ये देख लेने हैं। आपका होम टास्क बेटे वही है कि राइट यू एमसीक्यूज ऑन योर इंग्लिश रजिस्टर एंड आल्सो लर्न द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर। यू हैव टू रीड द क्वेश्चन आंसर्स एंड आल्सो लर्न पेयर्स सॉरी इडियम्स फ्रॉम 301 टू 1310। सो अल्लाह हाफिज़।